हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड इन दिस सोर्सेज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज द इंस्क्रिप्शन हाउ इंस्क्रिप्शंस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट एक्चुअली इंस्क्रिप्शन इज अगर हमें इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इंस्क्रिप्शन होता क्या है तभी हम उसको समझ पाएंगे और उसकी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस जो भी इंपॉर्टेंस है उसकी हिस्ट्री को जानने में यह हम तभी समझ पाएंगे जब हमें एग्जैक्टली पता होगा इंस्क्रिप्शन होता क्या है तो स्टूडेंट्स इंस्क्रिप्शन जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ राइटिंग और एंग्रेविंग ऑन हार्ड सर्फेसिस लाइक मेटल लाइक स्टोन और रॉक्स उनके ऊपर जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन जस्ट टेक द एग्जाम्पल इट्स ए मार्कर और इस मार्कर को हम व्हाइट बोर्ड पर यूज करते हैं लिखने के लिए दैट इज नोन एज राइटिंग तो इसको हम राइटिंग बोलेंगे अब अगर हमें हार्ड सर्फेस के ऊपर लिखना हो जैसे मैंने बोला रॉक स्टोन्स या के ऊपर अगर हमें लिखना होगा तो वो कैसे उसको हम इंस्क्रिप्शन कैसे उसको इंस्क्रिप्शन मानेंगे जस्ट एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक पार्ट बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ मेटल ऑल्सो आयरन है कॉपर है या ये रॉक है या स्टोन है अब इसके ऊपर अगर हमें लिखना होगा तो मार्कर यूज नहीं करेंगे या नॉर्मल पेन यूज नहीं करेंगे उसके लिए हमारे पास दूसरे टूल्स होंगे और वो टूल्स होते हैं ब्यूरिंस एंड चिसल्स जैसे छेनी होता है तो उसके ऊपर हम ऐसे नहीं लिखेंगे उसको हम थोड़ा एंग्रेव करके लिखेंगे ऐसे ठोक कर लिखेंगे उसको दैट तो जो उसके ऊपर लिखा जाएगा एंग्रेव किया जाएगा उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन अगर हमने इसके ऊपर कुछ लिखा एंग्रेविंग की और उसको हमने चिसल्स और ब्यूरिंस से लिखा उसके टूल्स होंगे उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे छेनी होती है या छोटा हैमर होता है तो उससे हम इसको ठोक के इसके ऊपर लिखा जाएगा तो ये जो लिखा गया है दिस इज नोन एज इंस्क्रिप्शन तो इसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं और ये पिलर्स की फॉर्म में भी होता है प्लेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकता है तो आज हमें इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन को हम डिस्कस करेंगे जो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से उसको विदिशा पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है और गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है तो ये विदिशा पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से 55 अराउंड किलोमीटर दूर एक प्लेस है विदिशा वहां से मिला है ये और विदिशा जो बेस नगर जगह है तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन और इसके ऊपर एक गरुड़ दैट इज द फिगर ऑफ ए बर्ड जैसे लॉयन इज द किंग ऑफ द एनिमल्स सिमिलरली द किंग ऑफ द बर्ड्स इज गरुड़ तो गरुड़ इस पिलर के ऊपर बने हुए हैं दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द गरुड़ पिलर तो इंडिया के मैप में आप देखिए तो दैट इज द प्लेस सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश का ये एरिया है यहां पर ये भोपाल है तो भोपाल से करीब 57-55 किलोमीटर के करीब एक जगह है दैट इज नोन एज विदिशा तो वहां से ये पिलर हमें मिला है जिसको कि हम स्टडी करेंगे तो इस पिलर को हमने यहां से पिक किया और इसको हम यहां पर लिया है अब इस पिलर के बारे में हमें डिस्कस करना है इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं पर्टिकुलरली पीटी के अंदर जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पिलर इंस्क्रिप्शन गरुड़ तो गरुड़ इंस्क्रिप्शन को किन नामों से जाना जाता है तो जैसे पिलर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज द बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज ऑल्सो नोन एज द विदिशा पिलर इंस्क्रिप्शन तो पहले हमें समझना होगा कि इसकी जो बॉडी जो होती है वो किस तरह से बनी हुई होती है तो पिलर्स जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और ये जो उसका लॉन्ग पार्ट है दैट इज नोन एज शाफ्ट इसको बोलते हैं शाफ्ट बोला जाता है इसको अब इस शाफ्ट के ऊपर ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये इसके ऊपर एंग्रेविंग की है लिखा हुआ है इसके ऊपर दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन अब इसके ऊपर लिखा जो है इसमें लॉर्ड विष्णु लॉर्ड वासुदेव को प्रेज किया गया है ऊपर डेडिकेट किया गया है ये पिलर इंस्क्रिप्शन यहां पर स्टार्ट हो जाता है इनका दूसरा पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल ये जो पोर्शन है इट इज नोन एज द कैपिटल नीचे वाला पोर्शन होता है शाफ्ट इस पोर्शन को बोलते हैं कैपिटल और जो कैपिटल पोर्शन जो होता है वो इन्वर्टेड लोटस की फॉर्म में होता है व्हाट इज इन्वर्टेड लोटस जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक लोटस का फ्लावर है कमल का फूल है ऐसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है अब हम इसको अपसाइड डाउन कर देते हैं अपसाइड डाउन जब हम करते हैं तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड लोटस इट इज नोन एज इन्वर्टेड लोटस जिसको हम अपसाइड डाउन बोलते हैं तो हम इसको अपसाइड डाउन कर दिया तो ये जो दिखाई दे रही है ये लीव्स हैं अब हमने इसको उल्टा कर दिया है तो दैट्स व्हाई इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे आ गई हैं ये इसकी लीव्स हैं और ये कैपिटल होता है नीचे शाफ्ट होता है और कैपिटल के ऊपर का जो ये एरिया है उसको एबकस बोलते हैं तो एबकस इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कैपिटल पार्ट है और एक शाफ्ट पार्ट है और कुछ पोर्शन इसका
अंडर द ग्राउंड होता है, जिससे कि इसको फॉर्मली इरेक्ट किया जा सके, इसको खड़ा किया जा सके। अब इसमें स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो ये बना हुआ है, ये गरुड़ है, गरुड़ की फिगर है, और इसमें इसके ऊपर अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें लॉर्ड विष्णु इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी का फेस दिखाई दे रहा है और ये विंग्स जो है, ये विंग्स है गरुड़ के, तो गरुड़ के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो दैट इज द पिलर नोन एज द विदिशा पिलर। अब इसकी जो हाइट है वो करीब 20 फीट और 7 इंच की इसकी हाइट है, और ये स्टोन का बना हुआ है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बेस नगर और द विदिशा और द गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि हु गॉट कंस्ट्रक्टेड दिस बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो दिस बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन को जो कंस्ट्रक्ट किया था, वो कंस्ट्रक्ट करवाया था हेलियोडोरस ने। क्वेश्चन आ सकता है हु वाज हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस वाज ए ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द किंग एंटियालकिदास। एंटियालकिदास वाज ए ग्रीक रूलर ऑफ पंजाब रीजन। तो पंजाब रीजन में इस टाइम जो फॉरेन अटैकर्स थे उनका कंट्रोल हो चुका था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। तो जो पंजाब के जो रूलर थे इस टाइम, वो ग्रीक एंड इंडो ग्रीक रूलर थे, जिनका नाम था एंटियालकिदास। और उन एंटियालकिदास ने हेलियोडोरस को अपना एम्बेसडर बनाकर भेजा था भागभद्र के कोर्ट में। एंड भागभद्र ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम वॉज द रूलर। भागभद्र के अंडर में विदिशा का एरिया था, और हेलियोडोरस ने वहां जाकर पिलर को इरेक्ट करवाया। एंड इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 113 बीसी का ये टाइम पीरियड था। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें एमसीक्यू में, एंटियालकिदास कौन है, हेलियोडोरस कौन है, भागभद्र कौन है, और इसके साथ साथ इसको जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ अवर कंट्री इंडिया, जनरल अलेक्जेंडर क्विनिंगम, उन्होंने इसको 1877 में डिस्कवर किया है। अब इसमें और जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि जो पिलर है ये सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज तीन इंपॉर्टेंट चीजों में सिंबलाइज करता है, ये अर्थ को सिंबल करता है, स्पेस को और हेवन को, तीन चीजों को ये सिंबलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड विष्णु जो है वो भी तीनों लोक के स्वामी बोला जाता है, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। तो हेवन वर्ल्ड भी आ गया, स्पेस भी आ गया, और इसमें अर्थ भी आ गया। तो इट सिंबलाइज व्हाट, इट सिंबलाइज हेवन, अर्थ एंड स्पेस। और इसकी जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और प्राकृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंग्रेविंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। हार्ड सर्फेस पर क्यों लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम रूलर्स की ये मेंटेलिटी थी कि जो वो इसके ऊपर लिखें वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करें। तो इस वजह से इनको हार्ड सर्फेस पर लिखा जाता था, और ये रिलायबल भी है। ये जो पिलर्स होते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनको हम टेम्पर्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। पेपर पे अगर कोई चीज लिखी होगी उसको हम रब कर सकते हैं। आजकल तो ऐसी केमिकल्स भी हैं कि अगर हम फाउंटेन पेन से भी लिखते हैं, इंक से भी लिखते हैं, तो वो भी रब हो जाता है। तो उसके बाद हम दोबारा भी लिख सकते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो इनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अथॉरिटेटिव सोर्स है ये, क्योंकि एक दो बार जो चीज एंग्रेव हो जाएगी, जो चीज हम उसके ऊपर एंग्रेव कर देंगे, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन या टेम्परेशन नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स पिलर्स को बोला गया है, रॉक्स पिलर्स को, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर है। अब इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इसके लिए हैं कि इनके जो पिलर्स जो मिले हैं वो उनकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी भी कम है, और एक इनके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये है कि इनके अंदर बायसनेस हो सकती है। वी कैन हैव लॉट्स ऑफ बायसनेस इनके अंदर हो सकती है। टेक द एग्जांपल ऑफ समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन है जो लिखा गया था हरिसेन ने, जो कोर्ट पर थे समुद्रगुप्त के। तो अब वो कोर्ट पोएट थे उनके, समुद्रगुप्त के, तो ये माना जाता है कि जैसे हेलियोडोरस है, तो हेलियोडोरस ने ही वाज मच मोर बायस्ड टुवर्ड द हिंदुइज्म और द वैष्णविज्म। तो वो उस चीज के ऊपर, जिस चीज की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसके प्लस पॉइंट्स ज्यादा दे सकते हैं। जैसे हरिसेन का मैंने भी एग्जाम्पल दिया है, वो तो कोर्ट पोएट और समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के बारे में पॉजिटिव चीजें ज्यादा बताएंगे और नेगेटिव चीजें हो सकता है हाइड कर लें। तो दैट्स व्हाई दीज आर द लिमिटेशंस। बट इंस्पाइट the limitations, we can't deny the fact that these inscriptions are one of the most important and authentic sources to know the ancient Indian history. So what is inscription? ये question पूछा जा सकता है। Study of inscription is known as epigraphy. ये भी पूछा जा सकता है कि what do you understand by epigraphy? And what is paleography? अब epigraphy क्या हुआ? Study of inscription. और inscription में जो language use की गई है, old language, पाली हो, प्राकृत हो, उसकी study, that is known as paleography. तो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसके ऊपर, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, उसके बाद गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन,
who was Antyalki Das, who was this Heliodorus, who was Bhagbhadra, Vidisha में कहाँ पर मिला, तो इस तरह के questions, अगर इसके question इस base level के ऊपर अगर कोई question आता है तो जो भी हमने terms use की हैं, more or less you will get question from that particular topic or those particular terms. So it was the topic of the Heliodorus का Garuda pillar description that was. Okay students, thanks.